भरी की शकल शकल तो बिल्कुल जीजू पे गई हुई है। जब पहली बार मैं गौरव जीजू से मिला था तो रितु ने पूछा कैसे लगे, मैंने कहा बहुत अच्छे हैं लेकिन वॉक मेरे को ज्यादा ही अच्छी लगी। मॉर्निंग यू गाइस, हाउ आर यू। आज के ब्लॉग में स्वागतम स्वागतम स्वागतम। 9 बजे हैं अभी, पियेंगे सुबह सुबह जूस। ओह तू तो जैसे ही मैं बता दूं इनको कि ब्लॉग बनने वाला है, इनके बाल बाल बन जाते हैं अपने आप। ऐसे ही नहीं थे अभी 5 मिनट पहले, ऐसे नहीं थे। मैंने कहा आज मैं शूट करूंगा तो देखो कैसे हो गए। पता ये मशीन बहुत अच्छी है, ये मशीन सिर्फ 600 रुपए की है, बहुत अच्छी मशीन है। और इसमें ना जूस पूरा सिट्रस फ्रूट अगर कोई भी है बहुत अच्छा जूस निकलता है, इतना सारा जूस निकलता है। पूरा ग्लास फिलअप हो गया 3 ओरेंजेस, और इतना टेस्टी होता है ना, यम एकदम। संतरे के साथ हाथ अंदर डाल दें, बदला अपने आप पूरा हो जाएगा। हाथ इसका पतीगा जो भी परेशान कर रहा हूँ वो नहीं होता, टॉम एंड जेरी में हाथ लंबा सा हो जाता है। ये मशीन पता हम कहाँ से लेके आए थे, कुछ दहेज में लिया हो ना लिया हो, ये मशीन जरूर मैंने दहेज में ली है। ये इनके घर पे थी, इनके पास भी पुरानी मशीन थी, यूज नहीं करते थे, तो मैंने देखा, मैंने पूछा क्या है, तो कहते से जूस निकलता है। फिर इन्होंने मेरे को जूस निकाल के दिखाया, इतना टेस्टी लगा, मैंने कहा ये मशीन तो ले ही चलो। तो पापा ने क्या किया हुआ है, सब्जियां लगाई हुई है हमारे ना साथ में से, सब्जियों का पूरा गार्डन बनाया हुआ उन्होंने। यहाँ पे पूरी क्यारियां लगाई हुई है, वहाँ पे तख्त रखा हुआ है ताकि हम धूप को एंजॉय कर पाए। सोच रहे सारी सब्जियां यहीं लगाएंगे, मिनी फार्म में, ऑर्गेनिक फार्म है हमारा छोटा सा। मैंने बोला था भाई मैंने खेतों में काम थोड़ी ना किया, ये देखो तो मैं काम करने से कोई गांव में थोड़ी आ जाता है। हेल्थ इज वेल्थ यार, थोड़ी देर मेहनत करिए और हमारे किसान जी थक गए। इवन दो वी हैव एवरीथिंग इन आवर डाइट, बट फिर भी इतनी सारी चीजें जो हमारे अंदर कमी रह जाती है और अच्छा खाना नहीं खा पाते हम लोग। बिजी स्केड्यूल भी इतना होता है सबका, स्ट्रेस इतनी है लाइफ में, एक्ने वगैरह बहुत हो जाता है। फॉर दैट आई हैव ओजीवा का सुपरफूड ग्रीन एंड हर्ब्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। इसमें आपको देखोगे सारी चीजें मिलती हैं, विटामिन ए सी के, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं। एंड इट्स रियली इजी टू हैव, अ टेस्टी भी है, गोलगप्पे के पानी जैसा लगता है, तो पूजा जैसे लोग भी खा सकते हैं। यू कैन हैव इट एट एनी टाइम ऑफ द डे। बेस्ट थिंग इज क्लेंज योर स्किन एंड डिटॉक्सिफाई इट। वी टेक 2 स्कूप्स, 200 ml पानी लेना है, अच्छे से इसको स्टर कर लो एंड यू कैन हैव इट। बड़ा ही अच्छा है स्किन के लिए भी, पिंपल्स वगैरह भी कम हो जाएंगे आपको। सो इफ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल, भाग दौड़ में भी यू वांट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सो दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। काफी दिन से आई वॉज रियली बिजी विद लॉन्च ऑफ 2 न्यू प्रोजेक्ट्स, मोस्ट ऑफ माई टीम्स वर बिजी इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का हैंड ओवर। तो होम्स अपने इतनी एनर्जीज कंज्यूम की हुई है मेरी कि मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था, बट डोंट वरी, आई फेच आउट टाइम बिकॉज दिस इज व्हाट आई लाइक अ लॉट। जैसे मुझे घर बनाने और डिजाइन करना पसंद है, ऐसे मुझे रियलाइज हुआ कि धीरे धीरे व्लॉग्स बनाने में जो मुझे मजा आता है ना, एडिटिंग करके और उसके बाद अपलोड करने में वीडियोस एंड देन गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, बड़ा अच्छा लगता है, तो खुशी मिलती है बहुत ज्यादा। एंड मैं प्रेफर करता हूँ कि जो मुझे पसंद आए, जो चीज़ खुशी दे, वो करनी चाहिए, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज का दिन एक रेगुलर वर्क डे है फॉर मी। आई हैव 2 रजिस्ट्रीज टुडे, 2 कस्टमर्स की रजिस्ट्रीज करानी है, वहाँ जाना है, पटवारी के पास जाना होता है, सॉरी इज द गाय tells you where your land is and everything. रितु का भी बर्थडे है एंड मेरे नेफ्यू का भी बर्थडे है, दोनों का एक साथ ही बर्थडे है, तो मैं और पूजा फिर कुछ गिफ्ट शॉप करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ चलेंगे। आप पहुँच गए हैं, तो कैमरा तो अंदर चलता नहीं, आपको पता सरकारी ऑफिस में कुछ और ही चलता है, तो अभी कैमरे को रखते हैं साइड, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। पेपर्स जो है हमें मिल गए हैं एंड अब हम बस वी हैव टू गिव देम टू द बैंक गाय एंड उसके बाद फिर निकलते हैं एक रजिस्ट्री है। उससे पहले इंतकाल बहुत ज़रूरी होता है, इंतकाल इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में आपका नाम प्रॉपर्टी पे चढ़ा हुआ है कि नहीं, सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। माय फोटो इज डन एंड द कस्टमर इज गेटिंग द फोटो डन। आपकी मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू।
क्योंकि उस दिन जो मालिक होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नाउ दे फाइनली बॉट अ हाउस, वो ड्रीम फुलफिल होता ना, अलग ही मज़ा आता। और सेकेंड मज़ा आता है हैंड ओवर में। ये 20,000 स्क्वायर फीट की एक हमारी छोटी सी साइट है एंड यहाँ पे अभी ये ग्राउंड फ्लोर पे स्टिल्ट पार्किंग बनेगा। सो वहाँ पे जो है लीकेज है और पानी वहाँ तक जा रहा है, मेजर लीकेज है कोई, करते हैं सॉल्व। तो इस साइड पे पूरी फुटिंग डल चुकी थी, सब कुछ हो गया था, देन फाइनली ये लीकेज 1, 2 और 3 तीन जगह से बार बार लीकेज हो रही है। हमारे सुपरवाइजर जो हैं वो फेल हो गए हैं इस पर, हमारे प्लम्बर भी फेल हो गए हैं, सुबह से लगे हुए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है इनसे। तीन बारी हम पूरी फुटिंग डाल चुके हैं, सब कुछ हो गया है, पानी बार 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 निकल रहा है, बार 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 आ रहा है, और ये हमारे प्लम्बर पैक नहीं कर पा रहे। कैसे करें रिजॉल्व? जाएगा सर, बस थोड़ी सी मिट्टी निकालने की देर आई है। सुबह से नहीं हुआ, अब बस मिट्टी निकालने की देर है, अब हो जाएगा। That's how India works. जब तक मैं नहीं आया साइड पे पानी निकलता ही रहेगा। नहीं अरे सर, खाली हो गया था पूरा। बताओ, पूरी ऑडियंस जमी हुई है यहाँ पे, जैसे जेसीबी खुदाई पे जुड़ती है वैसे। बताओ, मैंने आगे कोई पाइप लगाने यहाँ पे? वो जो लीकेज उस तरफ हो रही है उससे पानी जो है मिट्टी के नीचे नीचे जहाँ तक पानी आ गया, जहाँ तक, एंड दिस इज द लिफ्ट एरिया। अगर ऐसा कभी भी लीकेज होता है ना नीचे, तो फुटिंग पे बड़ा असर पड़ता है, तो वी नीड टू इराडिकेट इट ये साथ। तो बाहर पूजा निकल रहे हैं अभी मेरी बड़ी सिस्टर सीमा के घर, ऋतु भी वहीं आ रही है, कल उसका भी बर्थडे है। तो अब ऋतु जो है सीमा के घर पहुंच गई है, और हम, ऋतु का भी कल बर्थडे है, सीमा के बेटे आरव का भी कल बर्थडे है, तो हम दोनों के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेके उनकी पसंद के और वहाँ पहुँच रहे। क्यों पूजू जी, पूजू को तो बस तैयार होने के मौके चाहिए, तुम्हें पता है ये लड़कियों का। मैं तो बहाने ढूंढ रही हूँ कब कहीं जाए। मीनवाइल पूजा इतना अच्छा केक ले आई आरव और ऋतु के लिए, और मैंने इतना प्यारा सा कार्ड तैयार किया है बड़े के लिए, इतना प्यारा सा। वो वीडियो आई थी ना मेरी और ऋतु की, अनवेलिंग ऋतु राठी, उसमें मैंने जब बात की तब मुझे याद आया मैं उसको कार्ड्स बना के देता था, तो आज मैंने सोची थी कि मैं उसके लिए इतना प्यारा सा कार्ड बनाऊंगा, अपने सारे मन के ख्याल मैंने जो उसमें लिख दिए, और मुझे लगता है बड़े को पसंद आएगा, है ना? क्यों छोड़े? एंड लेट्स गिव देम अ सरप्राइज। ऋतु को पता है, आरव को नहीं पता, सीमा को भी नहीं पता, सीमा गुस्सा भी हो रखी है मेरे से। अरे वाह, मेरे लिए सरप्राइज, क्या बात है यार। आज अनारकली ने दिया सलीम को गुलाब। आए मेरे रोज, तू भी रोज लग रहा है, तो बिल्कुल रोज वाले कपड़े पहने हो तूने। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ भाई, सारे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। सीमा मेरे से गुस्सा थी, तो पहले मैं अपनी बड़ी बहन से सॉरी बोल लूं। ये मेरी सेटिंग ने दिया है, सॉरी यार, सही में बहुत माफ कर देगा। नमस्ते दीदी। भाई बर्थडे बॉय कहाँ है हमारे? तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, मैं हैप्पी बोल दे, बोल दे। तो दोस्तों दी जा, थोड़े दिन में केमिस्ट्री लैब में मिलेगी मोटा। थोड़े दिन सही में केमिस्ट्री लैब में टंगी पाओगी मोटा। चल चूरन बनवाया है सूर्या के लिए, बाबा जैतूनी के तेल से भी कामयाब लग रही है। सच में जब खुद का बच्चा हो ना, ये सारी सारी चीज हटती है। खुद का बच्चा का अगर पूरी दुनिया है, सही में बच्चा का, तेरे बच्चे को हम पाएंगे। भाभी तो ऑलराउंडर मम्मी हो रही है। ये ऐसा बुद्धू है, ऋतु हमारे सबका मम्मा बना हुआ है। ना, एक ऋतु सब ने पकड़ देगा। इस ऋतु के ना 5 बच्चे हैं, चार बच्चे हम और एक रसभरी। और एक दिन ये मुझे फोन करके कहता गुस्से में, सालों में किस किस को पढ़ूं? सड़ा किस किस ने पढ़ू, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम कौन समझेगा? पापा ने जितना नॉन पार्टिसिपेंट रोल रितु की शादी में निभाया है, मैं भी इतना ही था, क्योंकि सारा मम्मी ने लीड कर दिया। पीतू का मैं भी इतना ही था।
केक अभी काटेंगे भी बेबी का सजन हुआ ना उस दिन तो पापा गले लगा तो मेरे घर पर रहकर पूरा रोया है क्या है मेरा बच्चा चला जाएगा उस तो अगले दिन पापा बताए कि टंडे को क्या किया बोला बेटा बता तो हम दिनों ही रितु की विदाई करे पापा फोन कर रहे हैं के रह गया ही के रह गया तक आए नहीं मैं तो गए को नहीं मैं तो सुन आई मामू 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 भूल गया तू छोटू सा था मैं तेरे पास था छोटू इस बारी की शक्ल तो बिल्कुल जीजू पे गई हुई है जब पहली बार मैं गौरव जीजू से मिला था तो रितु ने पूछा कैसे लगे मैंने कहा बहुत अच्छे हैं लेकिन वॉक मेरे को ज्यादा ही अच्छी लगी वॉक नहीं वॉक चलना देख रहा पटाखे चलाते थे उसके ना उसने सारा वो निकाल लिया मसाला सारी आईब्रो ये सारी हाँ सारे आईब्रो सब जल गए थे मेरे एकदम तो उसके बाद से मुझे डर लगता है पटाखों से और बीच में सिंगर बनने का बहुत शौक चल गया था सारे इंग्लिश गाने मैं क्या कह रहा सारे इंग्लिश गानों के ऊपर गाता था तो वेरी लो स्टैंडर्ड क्या बोला ओहो बुझी नीरी ऐ तेरी बेटा बेटा थूक मत फेंक दियो बेटा थूक नहीं वेरी गुड चल मत जाइए मामू वाला रिपीट तू करने चाइल्डहुड रिपीटेशन देखो कैसे मुंह छुपा रही है इतने दिन बाद मिल रही है मेरे से पहचान ही नहीं रही अल्ले ओ हेलीकॉप्टर फ्लाई सीमा सीमा तेरा हेलीकॉप्टर पड़ेगा ओ तरीक है बदला ले या सीमा बदला ले सीमा ये बदला नहीं लेना चाहिए इतना मारता है बताओ मैं कुर्सी पे बैठा हूँ मेरी गर्दन पे आ गया मैं कहूँ देख पांच साल तक तो बच्चा ही सवा है कि कत्ती मैंने टेंशन ले रहा इतना रिलीव कर दे सारी टेंशन है भैया ऐसा ही होता बच्चा ऑल्सो भैया एक दिन कह रहे थे कि बच्चे अगर स्कूल नहीं जाए तो माँ बाप की ऐसी ऐसी हो जाए इसलिए स्कूल बने पढ़ाने के लिए नहीं सांस लेने का थोड़ा टाइम मिल जाए टाइम मिल जाए इसलिए स्कूल बने यही वो आशीर्वाद है जो असल में एक आदमी को आगे बढ़ाता है दिस इज व्हाट आई एक्चुअली फील मैंने तो ये सीखा है यार जब भी आपने मन से सेवा की है ना आपको मिला है दैट्स लाइफ और ये कोई वीडियो के लिए नहीं है दिस इज जेन्युइनली हाउ वी लिव लाइफ एंड आई वॉन्ट कि आप भी आपके जो बड़े हो भाई बहन हो मेरी अभी सीमा से लड़ाई रखी थी गुस्सा रखी थी मेरे से इतना पर मैंने आते इसके पैर गिरा ना ये मेल्ट हो गई तो झुकना इतनी बड़ी चीज होती है लाइफ में चलो आज का व्लॉग खत्म करते हैं आप भी इंजॉय करो हैप्पी बर्थडे टू माई प्यारू एंड माई प्यारू बाय बाय